दोस्तों ईथर कनेक्ट का प्लान आज मैं आपको बहुत ही सादा सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये प्लान समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं यहां पर ईथर कनेक्ट को अलग कर देता हूं और डॉलर को अलग कर देता हूं। तो मैं यहां पर आपको ये प्लान जो समझाने जा रहा हूं वो डॉलर के रूप में आपको समझाने जा रहा हूं, ताकि आपको जल्दी समझ में आ सके। और जितने भी प्लान आज के टाइम में चल रहे हैं बिल्कुल सेम प्लान और उनसे जबरदस्त प्लान है ये, आपको कुछ हटके इनकम देने वाला प्लान है ये ईथर कनेक्ट का। बस समझने का थोड़ा सा फर्क है। बहुत सारे लोग यहाँ पर डेली आरओआई प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर लेवल प्लान कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर डेली की अर्निंग वाले प्लान कर रहे हैं। वो सबका मिक्सचर यहाँ पर ईथर कनेक्ट है दोस्तों। ईथर कनेक्ट में वो सारी इनकम आपको मिल जाएंगी जो आप अदर प्लान में अभी तक ढूंढते हुए आ रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो लगभग $51 की है। आप यहाँ पर $51 जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, और उस एक्टिवेट आईडी जैसे एक्टिवेट होगी आपको यहां से अर्निंग मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहां पर बाहर निकल कर आती है, सर मैंने अगर यहां पर एक भी बंदे को ज्वाइन नहीं कराया तो क्या मुझे इनकम होगी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली आपको यहां पर इनकम होगी। मान लीजिए आपने यहां पर $50 से इन्वेस्टमेंट किया, $50 में आपको यहां पर मंथ का 10% के हिसाब से मिलता है, जो कि यहां पर हर महीने का $5 होता है। और $5 को अगर हम पर डे से डिवाइड करते हैं तो आपका 0.33%, यानी कि अगर हम 10% को डिवाइड करते हैं 30 दिन से तो 0.33% निकल कर आता है। और 0.3% अगर हम $50 का निकालते हैं तो पर डे आपको यहां पर जो मिलता है वो मिलता है 0.1667 डॉलर आपको यहाँ पर डे आपका आरओआई मिलता है। जी हाँ बिल्कुल, आरओआई मिलता है आपको, आरओआई प्लान कह सकते हैं आपको इसको। आरओआई के रूप में जितने भी प्लान आपने किया है वैसा ही आरओआई आपको सेम यहाँ पर भी मिलता है। तो जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 0.33% आपको यहाँ पर डे मिलता है। तो ये पर डे आपको यहाँ पर मिला, और 365 दिन तक आपका ये पैसा आपको मिलता है। तो 365 दिन अगर हम यहाँ पर पॉइंट जो निकल कर आता है 0.1667, इसको अगर हम 365 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पर जो इनकम बैठता है वो बैठता है $60.83। जी हाँ, आपने इन्वेस्टमेंट किया $50, आपको यहाँ पर जो मिला है वो मिला है $60.83, और प्लस 365 दिन के बाद आपका ये $50 जो कंपनी के पास, जो आपने स्टैकिंग पर लगाया था, जो आपने कंपनी के पास होल्डिंग पर लगाया था, वो भी आपको रिलीज कर दिया जाता है। तो टोटल इनकम की बात करें तो $50 आपका प्रिंसिपल अमाउंट, और $60 आपका जो स्टैकिंग मिला है आपको, जो आरओआई मिला है डेली के रूप में, वो आपका टोटल मिलाकर $110 हो जाता है। एक साल में आपका पैसा डबल भी हो जाता है और उससे ज्यादा हो जाता है जिसको आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या आप ये जो आरओआई आपको डेली मिल रहा है क्या आप इसको डेली निकाल सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, आप इसको जब चाहे जब विड्रॉल मार सकते हैं। लेकिन विड्रॉल लगने की यहाँ पर कुछ जो चार्जेस हैं, कुछ प्रोसेसिंग फीस है, तो उसको ध्यान में रखते ही आप विड्रॉल लगाएं ताकि विड्रॉल आपको मिल सके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर जिन लोगों ने $50 का इन्वेस्टमेंट किया उनको यहाँ पर इतना अमाउंट मिल गया, $100 वालों को $221 यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आरओआई की बात करें तो $121 का आरओआई वहाँ पर मिलता है। अगर किसी ने $500 का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको $608 का आरओआई मिलता है, और किसी ने $1000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको 1216 का आरओआई मिलता है। इसी तरीके से जो जितनी अपनी कैपेसिटी है, जो जितना रिस्क झेल सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रिस्क भी है, तो जो जितना रिस्क झेल सकता है उतना ही इन्वेस्टमेंट करे, लिमिट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोई भी ना करे, और खूब प्लान को सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करे, किसी के बहकावे में ना आए। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर मिल जाता है, मेरा काम है आपको प्लान बताना। तो यहाँ पर इतनी इनकम आपको यहाँ पर जो आपका स्टैकिंग है, जो सेल्फ का आरओआई है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद जो लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर लेवल प्लान भी है। लेवल प्लान पूरे 10 लेवल तक का है, 10 लेवल तक आपको यहाँ पर इनकम होती है। मान लीजिए आपके डाउन में
किसी बंदे को ज्वाइन कराया आपने, उसने $50 से अपनी आईडी को एक्टिवेट कराया, तो उससे आपको यहाँ पर 8% मिलता है। आप अपने फर्स्ट लेवल पर जितने भी बंदे ज्वाइन कराएंगे उससे आपको प्रत्येक क्रेडिट से 8% मिलेगा। ये आपकी वन टाइम इनकम होगी, ठीक है। तो 8% के हिसाब से आपको $4 मिल जाता है स्टैंडली, और ये $4 आप जब चाहे जब विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप फर्स्ट लेवल पर मान लीजिए आपने बहुत सारे बंदों को ज्वाइन कराया और फर्स्ट लेवल पर आपके $10,000 या $10,000 का बिजनेस हो गया, तो उसका 8% आप देख सकते हैं कि $800 आपको मिल जाता है। इसी तरीके से सेकंड लेवल पर आपको 3%, फिर थर्ड लेवल पर आपको 2%, फिर फोर्थ लेवल पर 1%, और पांचवें लेवल से लेकर 8%, 0.5%, और नौवें और दसवें लेवल से आपको 0.25% के करीब यहाँ पर मिलता है। मान लीजिए आपने दसवें लेवल पर 30,000 या $3,00,000 का बिजनेस कर लिया, तो $3,00,000 के हिसाब से आपको यहाँ पर $750 की अर्निंग हो जाती है। जितनी भी अर्निंग होगी आपको वन टाइम होगी, वन टाइम आपको यहाँ से इनकम ये लेवल प्लान से होने वाली है। और आप किसी भी लेवल पर कितने भी बंदों को ज्वाइन करा सकते हैं, जितने ज्यादा बंदे ज्वाइन कराएंगे जितने डॉलर का आपका बिजनेस होगा उसी हिसाब से उस लेवल के अकॉर्डिंग, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इनकम हो जाती है। इसके बाद आती है इनकम टीम आरओआई की। जैसे आपको आरओआई इनकम मिल रही है पर डे की, वैसे ही आपकी टीम को भी, क्योंकि आपकी टीम ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपकी टीम ने भी जो इन्वेस्टमेंट किया है उनको जितना डेली का आरओआई आएगा उससे भी आपको इनकम होने वाली है। कैसे वो भी यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों। ये आरओआई जो है आपको पूरे 5 लेवल तक मिलेगी। मान लीजिए आपने फर्स्ट लेवल पर किसी बंदे को $50 का इन्वेस्टमेंट करा के उसको ज्वाइन कराया, तो उसको यहाँ पर 0.33% पर डे आएगा, तो उसको पर डे आया 0.165, तो आपको उसका 10% मिलेगा। यानी फर्स्ट लेवल से जितना भी आपके फर्स्ट कैंडिडेट को आरओआई मिलता है, आरओआई से जितनी भी उसकी इनकम होती है उसका 10% आपको यहाँ पर मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं $0.02 आपको यहाँ पर बैठता है, और जिसकी इंडियन करेंसी में बात करें तो 0.1 रुपये 19 पैसे की वैल्यू यहाँ पर ये बैठ जाती है। तो ये इनकम आपको पर डे आएगी। जैसे आपकी डेली की इनकम आएगी आपकी खुद की आरओआई की, वैसे ही आपकी टीम की भी डेली आरओआई आपको यहाँ पर मिलती है। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट लेवल में बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन करा दिए और उनका बिजनेस $50,000 यानी $50,000 का इन्वेस्टमेंट आपके फर्स्ट लेवल पर हो गया है, तो डेली का आरओआई जो उनको आएगा वो आएगा $165, और उसका 10% आपको आएगा $1,650 पर डे आएगा। जी हाँ, पर डे आपको आने वाला है, अगले एक साल तक आपको आता रहेगा ये आपको। तो जिस लेवल पर जितनी ज़्यादा स्टैकिंग होगी उतनी ज़्यादा अर्निंग आपको यहाँ पर आने वाली है। तो फर्स्ट लेवल पर आपको 10% की आरओआई आएगी, और 5% पर आपकी टीम की टोटल आरओआई की 5% आएगी, और थर्ड लेवल पर आपको 3%, चौथे लेवल पर भी 3%, और 1% आपको पांचवें लेवल से आने वाली है। मान लीजिए पांचवें जो लेवल है उस पर $500,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो आपको देख सकते हैं कि आपकी अर्निंग भी यहाँ पर कितनी हो सकती है। तो किस लेवल पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा ये आप और हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये वक्त ज़रूर जानता है कि अगर आपने यहाँ पर ज़्यादा मेहनत की, आपने ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराया, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके डाउन में हो गया, तो उतनी बड़ी अर्निंग आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की इनकम आपको यहाँ पर मिलती है, सेल्फ की स्टैकिंग अर्निंग, लेवल जो लेवल इनकम जो दे रखी है यहाँ पर 10 लेवल तक की, वो सारी अर्निंग आपको मिलती है, प्लस जितनी भी आपको आपकी जो टीम है 5 लेवल तक की उनको जितनी भी आरओआई आती है पर डे की उसका 10% आपको यहाँ पर आता है आपके फर्स्ट लेवल से, फिर 5%, 3%, 3% और 1%, इस तरीके से आपको ये डेली आरओआई आती है। दोस्तों अगर इस प्लान को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लीडर के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएंगे, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और इस प्लान को पूरी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और इसमें वर्क करके इनकम कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको डॉलर के रूप में समझाया है, लेकिन यहाँ पर जो भी आपको इनकम होगी वो होगी डॉलर के रूप में, जिसका कि आपको मिलेगा ईसीसी कॉइन। उस ईसीसी कॉइन को बेचकर आप इथेरियम प्राप्त कर सकते हैं, और इथेरियम को बेचकर आप अपना INR विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को फिर से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फिर से कहता हूँ, ताकि जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।